हेलो दोस्तों, मैं कौशिक धंधुकिया स्वास्थ्य प्रेमी परिवार की ओर से आप सबका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, थायराइड के प्रथम एपिसोड में हमने देखा कि थायराइड की समस्या ऐसी समस्या नहीं है जिसको ठीक की जा सकती नहीं है, दरअसल इसको ठीक की जा सकती है। दूसरी बात जो हमने देखी वो ये है कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप एलोपैथी बंद करें, बल्कि ये जरूरी है कि आपको एलोपैथी लेनी चाहिए और धीरे धीरे जैसे आपकी कंडीशन ठीक होती जाए आपका डॉक्टर ही उस मेडिसिन को धीरे धीरे कम करता जाएगा। तीसरी चीज हमने देखी कि एक अच्छे आयुर्वेदाचार्य के पास अगर आप जाएंगे तो आपकी थायराइड की समस्या को ठीक की जा सकती है। अब जो हमें बात करनी है वो ये करनी है कि ज्यादातर पेशेंट्स को जब हम मिलते हैं तो हमारे समाज में थायराइड की किसी हार्मोन की डेफिशिएंसी से पीड़ित कोई भी पेशेंट, चाहे वो हाइपरथायराइड का पेशेंट हो या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट हो, दोनों ही पेशेंट बड़ी शांति से, बड़ी ही गैर जिम्मेदारी से ये कहते हैं कि मैं एकदम ठीक हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट थोड़ा सा थायराइड है पर उसकी तो दवाई चालू है। तब मैं उनको समझाना चाहता हूं कि अगर आप थायराइड से पीड़ित हैं, थायराइड के हार्मोन से पीड़ित हैं, चाहे आप हाइपोथायरॉयडिज्म से पीड़ित हो या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म से पीड़ित हो, पर अगर आप इस चीजों से पीड़ित हैं तो आपको जानना चाहिए कि थायराइड जितनी गैर जिम्मेदारी से हमें कहते हैं कि बस थोड़ा सा थायराइड है, इतना ही नहीं होता। थायराइड दरअसल आपके शरीर के हर एक सेल से जुड़ी हुई चीज है। आपके सेल का मेटाबॉलिज्म यानी कि सेल के अंदर घटने वाली घटनाएं, सेल के अंदर होने वाली रिएक्शंस, आपके हर सेल में होने वाली हर प्रक्रियाएं थायराइड की परमिशन से होती है। और आप जानते हैं आपके शरीर में एनर्जी यूटिलाइजेशन जो होता है वो इसी थायराइड के कारण होता है। ज्यादातर लोग नहीं जानते पर ऑक्सीजन कंजप्शन जो होती है हमारी, इसके अंदर थायराइड का एक बहुत बड़ा रोल होता है। मैं आपको छोटे एक एग्जांपल से समझाता हूं। आपके शहर में कुछ एक आधे विस्तार में सडनली गैस की पाइप में गैस आना बंद हो जाए तो कितने किचन में प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर आप ये समझ ले कि गैस की प्रॉब्लम तो है ही, साथ में पानी की जो नली, पानी की जो पाइप्स आपके घर तक आती थी उस पाइप्स में अब पानी नहीं आ रहा है तो कितनी बड़ी परेशानी आपके शहर में हो जाएगी। और चलो इन दो चीजों के बाद एक तीसरी समस्या भी हो जाती है, आपके उस शहर के उस विस्तार में लाइट्स चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। अब आप उस विस्तार के बारे में सोचिए क्या हालत होगी उस विस्तार की, उस एरिया की क्या हालत हो सकती है। तो मैं आपको समझाना यह चाह रहा हूं कि आपके शरीर में आपकी जो हार्ट रेट है वो हार्ट रेट और उसके साथ जुड़ी हुई कई प्रक्रिया है, आपकी कार्डियोलॉजी, आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, हृदय संबंधित जो आपका तंत्र है वो भी थायराइड के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर आपका थायराइड ठीक नहीं है तो आपके हार्ट रेट भी ठीक नहीं हो सकते। इसके साथ एक और चीज है, वो ये है कि आपकी नर्वस सिस्टम जो है वो भी थायराइड के साथ जुड़ी हुई है। तो ज्यादातर थायराइड के पेशेंट जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, जल्दी गुस्सा करने लगते हैं या छोटी छोटी बातों में रोने लगते हैं, पर वो बेचारे जानते नहीं हैं कि ये थायराइड की ही इफेक्ट है और आपके शरीर की कुछ एक एरिया में बड़ी ही गड़बड़ी चल रही है। अब आपको ये लग रहा होगा कि मैं आपको डरा रहा हूं, तो हां मैं आपको डरा ही रहा हूं, क्योंकि आपको डरना चाहिए, क्योंकि आदमी जिम्मेदारी अपनी खुद की तभी लेता है जब वो डर जाए। तो थोड़ा डर लो और खुद की जिम्मेदारी लीजिए।
क्योंकि आपका शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा। इसके अलावा आपको पता है हमारे शरीर में जो हड्डियां बनती है तो ये हड्डियों का ग्रोथ, स्केलेटन सिस्टम का ग्रोथ, आपकी मस्कुलर बॉडी का ग्रोथ, ये भी थायराइड के साथ जुड़ा हुआ है। आपके शरीर में कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन और कैल्शियम के साथ जुड़ी हुई कई सारी प्रणालियां थायराइड के साथ भी जुड़ी हुई है। इसका मतलब यह है कि अगर आप थायराइड से, थायराइड की किसी भी हार्मोन की किसी भी डेफिशिएंसी से आप पीड़ित हैं, तो आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी जरूर होगी, आपकी हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाएगी, आप जल्दी थकना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा थायराइड सीधा सीधा आपके बालों पर काम करता है, सीधा सीधा आपके नाखून पर काम करता है, तो आपके नाखून की क्वालिटी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। मैं कई बार कहता हूं, आज से करीबन 50 साल पहले सुंदर महिलाएं होती थी, अब नहीं। ये जब मैं कहता हूं तो थोड़ी देर सारी बहनें चुप हो जाती हैं और सोचती है ऐसा थोड़ी है, आज भी सुंदर महिला है। पर मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि 50 साल पहले, 100 साल पहले हमारे नाखून पिंक कलर के थे, देखने में सुंदर लगते थे, बड़े अच्छे थे। अब ये पिंक नहीं है क्योंकि हमारी बहनों में आयरन की डेफिशिएंसी है। आप जानते हैं भारत देश की हमारी माताएं बहनों में आयरन की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है, ज्यादातर महिलाएं एनेमिक होती है। ये भी थायराइड की परमिशन के बिना नहीं हो सकता। इसके अलावा जो सबसे बड़ी, जो मुझे चुभने वाली चीज है, जो हर किसी को सुननी चाहिए, जो हर किसी को समझनी चाहिए, और खासकर अगर आप देख रहे हैं और आप खुद थायराइड के पेशेंट हैं, तो इस बात को शांति से और समझदारी से, जिम्मेदारी से सुने। देखिए, हम ये सोचते हैं कि हमारे घर जो बच्चा आएगा वो हमसे बेहतर हो, पर अगर कोई बहन थायराइड से पीड़ित है, थायरॉइडिज्म से पीड़ित है, तो उनके साथ ही बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसका कारण यह है कि थायराइड जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर काम करता है। आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन्स थायराइड ग्रंथि के साथ जुड़े हुए हैं। तो जिस बहन को भी थायराइड की समस्या है, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल, उनका मासिक धर्म बराबर नहीं रहेगा, ठीक नहीं रहेगा। या तो उनको बड़ा लेट पीरियड्स आने की समस्या होगी, या फिर बड़ी जल्दी। ज्यादातर केसेस में थायराइड की समस्या से जूझती माताओं बहनों के साथ एक कॉमन घटना ये घटती है कि उनका स्त्री बीज टाइम पर अलग नहीं हो पाता, और इसके कारण काफी सारी समस्याएं खड़ी हो जाती है। क्योंकि बहनें सब जानती हैं कि अगर सिर्फ 2 दिन भी आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक ना रहे, लेट हो जाए या जल्दी आ जाए, तो पूरी तरीके से आपकी बायोलॉजिकल पैटर्न बदल जाती है। थायराइड से जो पीड़ित बहनें हैं उनके साथ एक और घटना भी घटती है। जब भी उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, उससे पहले उनको काफी दर्द महसूस होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उनको काफी सारी अशक्ति, या कहे टायर्डनेस, और सर दर्द होना, और पूरे शरीर में दर्द करना, और कई सारी समस्याएं उनको ये फील होती है। जो समझने की बात है वो ये है कि सिर्फ माता यही है जो हमारे समाज को एक बेहतर समाज दे सकती है, क्योंकि बच्चा एक स्त्री के शरीर में बनता है, और अगर वो स्त्री थायराइड से पीड़ित है तो उसकी सीधी असर उस बच्चे पर भी होगी। और मैं कहना चाहता हूं कि गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर थायराइड की बहुत बड़ी असर होती है। इसका कारण है
क्योंकि बच्चे की जो स्केलेटन सिस्टम है, बच्चों की जो हड्डियां है वो थायराइड की परमिशन से बनेगी। उनकी जो नर्वस सिस्टम है, दिमाग मस्तिष्क के साथ जुड़ी हुई, चेतातंत्र के साथ जुड़ी हुई जो पूरी सिस्टम है वो थायराइड की परमिशन से बनेगी। तो ऑल ओवर थायराइड है वो आपके बालों के साथ जुड़ा है, आपके नाखून के साथ जुड़ा है, आपके पाचन तंत्र के साथ जुड़ा हुआ है, ये आपकी किडनीज के साथ यानी कि रीनल फंक्शंस के साथ जुड़ा हुआ है, ये हृदय के साथ जुड़ा हुआ है, ये स्केलेटन सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, एनर्जी यूटिलाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, मस्कुलर सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड, वो थायराइड हमारे शरीर का मैनेजर है। और जब मैनेजर ही ठीक से काम नहीं करेगा तो मैनेजर के नीचे काम करने वाला स्टाफ ठीक होते हुए भी ठीक से काम नहीं करेगा, चाहे वो स्टाफ कितना भी लायक हो पर वो काम नहीं करेगा क्योंकि उनका मैनेजर ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा डर लीजिए और ये कहना बंद करिए कि मुझे और कोई समस्या नहीं है, सिर्फ थायराइड की समस्या है और दवाई ले रहा हूं तो सब ठीक है, क्योंकि वो दवाई आपको ठीक कर देगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए तो ये कहा जाता है कि थायराइड की दवाई कब तक लेनी है, तो उसका जवाब है जब तक आप जिंदा है। पर ये भी फिर ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो चलिए जागते हैं, अगर हम अपने शरीर में स्वास्थ्य को खड़ा कर पाए, अगर हम हेल्दी बन सके तो थायराइड को ठीक किया जा सकता है।